हमने तो गीता का ज्ञान पढ़ रखा है, जो मिल जाए उस पर संतुष्ट होना चाहिए। हाँ। और नहीं मिले तो भी संतुष्ट है। पूरा परिवार जाएगा? नहीं, परिवार के जो आए हैं जो चल जाएंगे, बाकी तो सारा परिवार है यहाँ पे। लेकिन अभी नामांकन हुआ है, अब पहली बार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके का चुनाव हो रहा है स्पीकर के पद का, क्या कहेंगे? हालांकि विपक्ष ने भी कहा था कि दूसरे उम्मीदवार होने चाहिए। तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में चलता रहता है और ये चलता रहना चाहिए, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। तो अभी क्या शेड्यूल है सरकार, सुबह कब कहाँ निकलेंगे? अभी इतना याद नहीं है। कोटा जाएंगे? कोटा तो 5 तारीख के बाद लोकसभा की स्थिति। अब देखिए, तैयारी दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। इसे स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी बताया जा रहा है, स्वस्थ लोकतंत्र की इसे तस्वीर भी बताया जा रहा है। विजय जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे शिवम त्यागी जी की बात। इलेक्शन के लिए तो जैसे मैंने भी जिक्र किया कि इलेक्शन को इतना नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन हो रहा है तो डेमोक्रेसी मजबूती होती है, इसमें कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बनेंगे, एक तो पहली बार वो अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में, पार्लियामेंट्री करियर में एक संवैधानिक पद को ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वेस्टमिनिस्टर से लिया गया है, वेस्टमिनिस्टर यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। उसमें जो LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि इस सरकार पर बहुत बारीक निगाह रखना, उसको काम को करना। लेकिन आपने जो बात की उससे मैं सहमत हूँ कि इस इलेक्शन में मोदी वर्सेस राहुल गांधी इलेक्शन रहा, और राहुल गांधी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था 400 पार का, और जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने गलत तरीके से किया था कि वो संविधान बदल देंगे, उसको उन्होंने पिक कर लिया और संविधान बदलने के नैरेटिव को राहुल गांधी ने बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया, जिससे ये नतीजे बदलने में काफ़ी हद तक मदद मिली। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बड़ा कारण हो, लेकिन एक बड़ा कारण रहा जिसकी मदद मिली है। और राहुल एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर निकल कर आए, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं और उम्मीद भी है, क्योंकि देश के लिए जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष का नेता हो। पिछले 10 साल से कोई विपक्ष का नेता भी नहीं था संसद में, तो वो भी जरूरी है। तो वो बेहतर करेंगे, किस तरह से काम कर पाते हैं, हमें उम्मीद भी करनी चाहिए और शुभकामनाएं भी देनी चाहिए, बहुत आशंका नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये संविधान वाला जो नैरेटिव अनंत जी चलाया गया, ये तो अभी भी विपक्ष हथियार बनाने की कोशिश कर ही रहा है ना। अभी भी आप देखिए, एक एक सांसद के हाथ में संविधान की प्रति होती है, संविधान की कॉपी होती है। राहुल गांधी से आप कोई भी सवाल पूछे तो वो संविधान की कॉपी को आगे करते हैं। कल तो शपथ भी उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ली थी। तो ये नैरेटिव आगे भी क्या बरकरार रखेगा विपक्ष, और क्या इसका फायदा अभी भी विपक्ष को होगा? प्राची जी, मुझे लगता है कि संविधान के हाथ में लेकर चलने का नैरेटिव विपक्ष लगातार बनाए रखेगा, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता की कुंजी इसी गुटखा एडिशन से जाती है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर चलते हैं। लेकिन ऑन ए लाइटर साइड, कल मैं देख रहा था कि जितने अलग अलग INDIA गठबंधन के जो दल थे, उनके सबके संविधान का कलर अलग था। किसी का छोटा था, किसी का ब्लू था, चंद्रशेखर आजाद पर अंबेडकर की फोटो लगी थी, वो साइज बहुत बड़ा था, किसी का डिमाई आकार का था। तो मुझे लगता है कि इससे अगर कोई संकेत हम लें, चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संविधान का के हाथ में लेकर और संविधान बदलकर जो SC ST में एक संदेश गया है, संविधान दिखाकर सिर्फ नहीं हुआ है, उसके साथ जो आरक्षण खत्म कर देने की बात जोड़ दी गई, जो मैसेजिंग हुई है, वो ज्यादा दिक्कत पहुंचाया उसने बीजेपी को। और बीजेपी को अब दलित नेताओं को सामने लाकर, मैं अभी बातचीत में यही कह रहा था कि बिहार में संविधान और आरक्षण का जो गठजोड़ विपक्ष का नैरेटिव का था, वो इसलिए नहीं चल पाया कि वहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दो बड़े दलित नेता ये आश्वस्त कर रहे थे दलित वोटरों को कि हमारे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। तो बिहार में यह संविधान नहीं चल पाया बहुत, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दलित नेता नहीं था जो ये ठोक के कह सके कि मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वो नीचे तक परकोलेट कर सके, जो एश्योर कर सके, जो वोटरों को आश्वस्त करे कि मेरे रहते हुए संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा। अभी भी तो दलित कार्ड ही खेलने की कोशिश की जा रही है ना? दलित कार्ड, ये दलित कार्ड वैसा दलित कार्ड नहीं है। मुझे लगता है कि सुरेश जी के लिए पहले प्रोटेम स्पीकर के में, और विजय जी ने ठीक कहा कि हमारे यहाँ वेस्ट मिनिस्टर की जो परंपरा चलती है उसमें पहले प्रोटेम स्पीकर में भी गलत एक नैरेटिव चलाया गया कि वो जो सबसे अधिक बार के सांसद होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जबकि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में है कि जो कंसिक्यूटिव सबसे ज्यादा बार सांसद रहते हैं। तो उसमें दो भारतीय जनता पार्टी के थे, एक भृतहरि महताब और दूसरे का नाम मैं भूल गया, वीरेंद्र खटीक जी, ये दो कंसिक्यूटिव 8 बार रहे हैं। और ये जो सुरेश जी हैं, ये
जीते जरूर 8 बार हैं, लेकिन बीच में 98 में ये हार गए, दो बार हार गए। आपके पास जरा मैं अपने सहयोगी मनीष भट्टाचार्य के पास चल लेती हूँ, ओम बिरला जी के घर के पास वो मौजूद है। मनीष बताइए, क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल है, चुनाव आज होने जा रहा है, क्या तैयारी है फिलहाल सत्ता पक्ष की? देखिए, ओम बिरला की ये बेटी है सामने, अंजलि बिरला, और ये उनकी बहू है बड़े भाई की, यहाँ पर सब मौजूद है एक साथ, जो पूरा परिवार है आप देखिए यहाँ पर। और ये थोड़ी देर में यहाँ से अब निकलने वाले हैं, क्योंकि ओम बिरला से तमाम लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कोटा से तमाम लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देखिए, अभी फिलहाल सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ओम बिरला के जो बड़े भाई हैं हरिकृष्ण बिरला, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, और क्या तैयारी हो रही है संसद जाने की? भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए तो उनका बहुत धन्यवाद आदरणीय मोदी जी का। उन्होंने छोटे से 3 बार के सांसद का इतना बड़ा पद दिया, उसके लिए तो ओम बिरला को जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया दोबारा लोकसभा का स्पीकर बनाने, तमाम लोग आए हुए हैं आज कोटा से अभिवादन करने के लिए। मैं देख रहा हूँ पूरा हाड़ोती से, पूरे हाड़ोती से सारे लोग, राजस्थान से सारे। हाँ, आप कह रहे थे कि गीता की ज्ञान जो ज्ञान है उस पर आप अमल करते हैं, कोई इच्छा नहीं मिल जाए, संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती, पर इच्छा रखना चाहिए, सपने भी देखना चाहिए, जो पूर्ते जाए सपने देखना चाहिए। ठीक है, तो ये ओम बिरला के बड़े भाई है हरिकृष्ण बिरला, और आप देखिए आवास की उनकी तस्वीर है घर की, तमाम जो कोटा खुश है। अभी आप जा रहे हैं क्या, संसद जा रहे हैं? नहीं, मैं शायद ऑफिस जाऊंगी। अभी आप ऑफिस जाएंगे। तो ये फैमिली है ओम बिरला की पूरी, उनकी बेटी ठीक है, पूरा परिवार है। और देखिए आज बड़ा दिन है, एक बार फिर ओम बिरला को स्पीकर सरकार बनाना चाहती है, और अभी तक के जिस तरीके के आंकड़े हैं उसे देखकर तो जरूर ये कहा जा सकता है कि ओम बिरला लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसी संभावनाएं नंबर्स को देखकर तो कम से कम जताई जा सकती हैं। विजय जी, चर्चा ओम बिरला के चेहरे पर भी कर लेनी चाहिए, सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष ने ओम बिरला के चेहरे को लेकर उठाए, 17वीं लोकसभा में उनकी कार्रवाइयों को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर विपक्ष ने हमेशा का पक्षपातपूर्ण रवैया है, सरकार के पक्ष में काम करते हैं, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते हैं, सरकार फिर उन्हें अगर रिपीट करवा रही है तो वजह क्या? सरकार यही बताना चाहती है कि एक तो कंटिन्यूटी की गवर्नमेंट है, जिस तरह से हमारे CCS में चारों मिनिस्टर्स को वही पद दिया गया, CCS के चारों मंत्री नहीं बदले गए, तो वो सरकार की कंटिन्यूटी है। दूसरी तरफ स्पीकर को देखकर भी यदि वो स्पीकर बदलते तो भी ये एक दबाव की रणनीति का, राजनीति का हिस्सा लगता कि सरकार जो है दबाव में आ गई विपक्ष के, और उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस टू इलेक्ट द स्पीकर यूनैनिमसली, सो आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम एंड we will make one more appeal to the Congress party, but if we are pushed into the election we are prepared. But Mr. Rijiju, the spirit of this mandate is collegiality. Surely you could have tried harder for collegiality in the sake of collegiality, in the spirit of collegiality with the opposition. That would absolutely, we all are colleagues in the house and we have to always work together, there's no doubt about that. The only question is that when we make the efforts and when we offer them, we expect that the offer is accepted gracefully. That has not been done, but we still make an effort. We will appeal to them again. But what's the sticking point? What is it that is? There's no point. There is a simple thing that let us elect the speaker unanimously. Sir, but the opposition leaders are now still saying that if still the deputy speaker post is being given to them, then they will again support the Om Bilda as the speaker candidate. How do you see this? No, we don't believe in making preconditions for the post of speaker. Let us concentrate and elect the speaker first and then the other issues we can discuss later. Sir, lekin aaj ki jo pura ho raha hai loksabha speaker ke chunav ko lekar, to usko aap kis tarike se dekhte ho? Hum log ne shuru se kaha hai ki ye number ka sawal nahi hai, hamare paas sankhya paryapt hai aur majbooti se apna sankhya ke sath hum khade hain, magar ye sankhya ka koi baat nahi hai, ye hum chahte hain ki speaker ka pad jo लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो पद जो है सब सरस समिति से चुन के बिठाया जाए तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही, अगर हम
अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते, हमारे पास संख्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प आ रही है और दोनों खेमों की तस्वीरों पर जरा आप गौर करिएगा। एक तरफ जहां किरण रिजिजू हैं, ओम बिरला आप देखिए किस तरीके से वो खुशमिजाज चेहरे के साथ अपने परिवार वाले अपने समर्थकों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी चूंकि वहीं पर मौजूद है, इसलिए मनीष आप ही जरा बताएं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है ओम बिरला, एनडीए कॉन्फिडेंट है, नंबर्स उनके पक्ष में हैं, अब बस ऐसा लग रहा है कि कुछ घड़ियों का इंतजार बाकी है। हाँ देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त ओम बिरला जी के घर पर मौजूद हूँ और ओम बिरला जी की जो पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम कितनी खुशी की बात है, क्या कहेंगे आप, सेकेंड टर्म है स्पीकर का, अब आप लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है, शीर्ष नेतृत्व में नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया ओम बिरला जी ने, इट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ एंड वी आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। उम्मीद थी क्या कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे? क्या अभी तमाम बातें हुई, ये कहा जा रहा है कि भाई दूसरा टर्म मिलना है अपने आप में बड़ी बात है, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे पहले से ही? ओम जी को अपने कार्य से लेकर और हम सबको उन पे गर्व था, हमें बहुत खुशी थी कि जो भी होगा उनके हित में होगा, बहुत अच्छा होगा। कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का जरूर हाथ होता है, पूरा सहयोग होता है, कदम से कदम आपने मिलाया है उनके साथ में, क्या कहेंगे, पूरी जर्नी किस तरीके की रही है ओम बिरला जी की? मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा कि हमेशा ओम जी के पंख बन के उनके साथ उड़ते रहूं, उनका हमेशा मतलब इतना उनको हम शक्ति दें पीछे से ताकि उन्हें कभी भी किसी चीज में इस तरह का नहीं लगे कि वो अकेले हैं। 2003 से सफर शुरू हुआ था कोटा दक्षिण से विधानसभा से, अब एक बड़े पायदान पर हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे ये पूरी जर्नी कितनी संघर्ष वाली रही है? हाँ जर्नी तो हमेशा संघर्ष की रही और संघर्ष में आनंद है, संघर्ष के बाद जब भगवान फल देता है तो उस फल का एक अलग ही होती है। और इस सब में सब लोगों का तो आपने देखा किस तरीके से ओम बिरला का परिवार इस वक्त खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो नंबर्स जानते हैं, वो आंकड़ा जानते हैं और एनडीए के पक्ष में ये आंकड़ा जाता है, तो ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि ओम बिरला की जीत तय है। अब देखना यह है जो किरण रिजिजू कह रहे थे कि वो एक कंसेंसस सर्वसम्मति की बात कर रहे थे, विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, अब शहजाद पूनावाला भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत शहजाद जी आपका। विजय जी ये जो बात होती है ना कंसेंसस की, जो किरण रिजिजू साहब भी कह रहे थे सर्वसम्मति से, अब ये सर्वसम्मति जैसा वर्ड ही लग रहा है डिक्शनरी से हटा देना पड़ेगा, अगर स्पीकर के मुद्दे पर इतना विवाद है इतना टसल है तो फिर बाकी मुद्दों का क्या होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा था और ये सबसे आसान या जो हमारे कन्वेंशन है उसके हिसाब से बन सकता था कि एक सर्वसम्मति बन जाए, क्योंकि आम तौर पर हालांकि पूरे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 3 बार चुनाव भी हुए हैं लेकिन आम तौर पर कोशिश की गई कि सर्वसम्मति बनाई जाए, और अब जब मजबूत विपक्ष है 233 234 उनके पास हैं, 293 उनके पास हैं, तो ऐसे में कोशिश होनी चाहिए थी कि सर्वसम्मति बनाई जाए, और इसकी जिम्मेदारी दोनों लोगों पर है, सरकार पर मैं ज़्यादा जिम्मेदारी मानता हूँ लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो आपस में बैठकर ये कोशिश करते हैं। मुझे लगता है सरकार थोड़ा सा और पुश करती और वो थोड़ा सा बैक फुट पर होते, फ्लेक्सी होते हैं। रिजिजू जी जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से फिर अपील करेंगे कि बात चली गई, मीनाक्षी बात चली गई, लेकिन रिजिजू साहब जो कह रहे हैं वो आज का स्टेटमेंट एक बार मैं फिर से दर्शकों को जरा सुना लेती हूं, फिर मैं शहजाद जी आपके पास आती हूं। तो गिव इट अ थॉट अगेन एंड नॉट टू कंटेस्ट ऑन द स्पीकर्स पोस्ट, we have the numbers but it's not a question of numbers, the speaker has to run the house impartially, so in this context it's better for all of us to elect the speaker unanimously, so I think we still have time and we will make one more appeal to the Congress party, but if we are pushed into the election
we are prepared. But Mr. Rijiju, the spirit of this mandate is collegiality. Surely you could have tried harder for collegiality in the sake of collegiality, in the spirit of collegiality with the opposition. That would absolutely. We all are colleagues in the house, and we have to always work together. There's no doubt about that. The only question is that when we make the efforts and when we offer them, we expect that the offer is accepted gracefully. That has not been done, but we still make an effort. We will appeal to them again. But what's the sticking point? What is it that is... There's no point. There is a simple thing that let us elect the speaker unanimously. Sir, the opposition leaders are now still saying that if still the deputy speaker post is being given to them, then they will again support the Om Birla as the speaker candidate. How do you see this? No, we don't believe in making preconditions for the post of speaker. Let us concentrate and elect the speaker first, and then the other issues we can discuss later. Sir, lekin aaj ki jo pura ho raha hai Lok Sabha speaker ke chunav ko lekar, to usko aap kis tarike se dekhte ho? Hum log ne shuru se kaha hai ki ye number ka sawal nahi hai, hamare paas sankhya paryapt hai aur majbooti se apna sankhya ke sath hum khade hain, magar ye sankhya ka कोई बात नहीं है. ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सरल समिति से चुन के बिठाया जाए, तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है. लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो दिखा. शक्ति का सवाल नहीं है. शक्ति तो हमारे पास, नंबर तो है ही. अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते. हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसलिए तो हम लोगों ने अपील किया है. अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिलकर के चुन लिया जाए. अब किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी हम अपील करते हैं कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाए. लेकिन शहजाद जी, एक ही तो शर्त रखी थी, एक ही तो गुजारिश थी विपक्ष की, वो ये कह रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद भी जो है वो विपक्ष के नेता को दे दीजिए, क्योंकि कन्वेंशन ये रहा है. इतनी सी बात अगर मान ली जाती है तो शायद आज ये स्पीकर के पद पर लड़ाई की नौबत नहीं आती. आपको ऐसा नहीं लगता? सबसे पहले मीनाक्षी जी, क्योंकि कल मुझे ये समाचार मिला है कि LOP के रूप में राहुल जी अब इस पद को संभालेंगे, तो मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. ये अलग बात है कि राहुल जी ने जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने गए तो उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से कभी शुभकामनाएं नहीं दी. ममता बनर्जी ने तो लाइट बंद कर दी थी, और खड़गे जी ने और बाकी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे का भी बहिष्कार किया. पर हम बड़ा मन दिखाते हुए उनको शुभकामनाएं देने चाहते हैं. जिम्मेदारी बड़ा पद है तो उसको संभाले ठीक से. देखिए, जहां तक कन्वेंशन की बात है, यदि ये परंपरा शब्द सुन सुनकर मेरे कान पक गए. यदि ये परंपरा है तो क्या नेहरू जी ने और इंदिरा जी ये परंपरा नहीं निभाई? तब तो पहली लोकसभा में इन्होंने डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का बनाया, उसके बाद लगातार 77 तक यही चलता रहा. 91 के बाद कुछ सालों तक ये डिप्टी स्पीकर बना, और आज की तारीख में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में क्या कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनाया है? तो फिर अपनी परंपरा वो नहीं मान रहे. तो राहुल जी को 2004 के बाद की राजनीति तो याद है, 2004 के पहले की राजनीति वो क्यों भूल जाते हैं? और कंसेंसस में कंडीशन नहीं होती, या तो कंसेंसस होता है या तो कंडीशन होती है. ये जो इंदिरा वाली मानसिकता है ना, माय वे या हाईवे, ये इमरजेंसी वाली मानसिकता है. ये कहना, बंदूक लेकर आना और बंदूक सर पर तान कर कहना कि या तो मेरी कंडीशन पूरी हो वरना कंसेंसस नहीं होगा, ये कंसेंसस की ओर नहीं, ये माय वे और हाईवे, ब्लैकमेल कहते हैं इसे. तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि डिप्टी स्पीकर की इतनी ही स्वस्थ परंपरा है तो राहुल जी को आप प्लीज आवाज माइक लगाएंगे तो जय संविधान के अलावा ये भी बता दे कि तेलंगाना में कहां जय संविधान हो रहा है, हिमाचल में कहां जय संविधान हो रहा है, कर्नाटका में कहां जय संविधान हो रहा है. और दूसरी बात, स्पीकर का पद, विजय जी खड़े हैं, स्पीकर जब बनता है वो पार्टी का नहीं होता, वो तमाम दलों के संरक्षक होते हैं, वो पार्लियामेंट के संरक्षक होते हैं. स्पीकर का एक अलग चुनाव और प्रक्रिया होती है, डिप्टी स्पीकर का अलग चुनाव और प्रक्रिया होती है. स्पीकर पे आप कंसेंसस दिखा देते हैं. मैं ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट NDA का बता रहा हूं, हम डिप्टी स्पीकर के लिए तैयार थे चर्चा करने के लिए, हम तैयार थे. राजनाथ सिंह जी का बयान है, ललन सिंह जी का बयान है, राजीव रंजन जी का, आप दोनों बयान चलाइए. ठीक है, मैं वो बयान जरा निकलवाती हूँ. और बड़ी बात ये है, हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं. सारी बातें अब जब लड़ाई की ही है और नंबर्स भी ये कहते हैं कि NDA के पक्ष में ये है. ललन सिंह इस वक्त उनके घर पर बिहार के जितने सांसद हैं उनकी मीटिंग चल रही है.
मनोहर लाल खट्टर के घर में उत्तराखंड और हरियाणा के सांसद हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। दरअसल सांसदों को वोटिंग की प्रक्रिया समझाने का काम इस वक्त चल रहा है। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि सेनापति तय कर दिए गए हैं और जितने सेनानी हैं उन्हें इस वक्त लड़ाई कैसे लड़नी है वो प्रक्रिया समझाई जा रही है। इतना तो तय है कि पहली बार ही सही, लेकिन एक तस्वीर हम ये जरूर देखेंगे कि स्पीकर के पद पर चुनाव हो रहा है। और अगर ये लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई है, नंबर्स की लड़ाई है, तो आप जरा देखिए इसमें इंडिया अलायंस कहां खड़ी हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी पहले ही ये जानकारी इतला दे चुकी है कि हो सकता है उनके एक दो सांसद मिसिंग रहेंगे। सेम यही बात शरद पवार वाले एनसीपी गुट को लेकर भी खड़ी होती नजर आ रही है। यानी कि नंबर्स जो हैं वो पहले से ही इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं है। ये लड़ाई वो नंबर्स के लिहाज से तो हारती हुई दिखाई ही दे रही है, लेकिन अगर लड़ाई परसेप्शन की है तो परसेप्शन भी कौन सा खड़ा होगा कि आपने एक ऐसी जंग लड़ी जिस जंग में हार निश्चित थी, लेकिन फिर भी आप जंग लड़ रहे हैं और उसका हासिल क्या है? ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। एक वाक्य कह सकता हूं इसमें, मतलब कि जो लड़ाई निश्चित है कि आप हारने वाले हैं, वहां पर सांकेतिक रूप से एक दलित व्यक्ति को आगे कर दिया जाता है। सुशील कुमार शिंदे को 2002 में, मीरा कुमार जी को 2017 में, आज के सुरेश को, अरे भाई इतनी ही चिंता है के सुरेश की तो यूडीएफ का चेहरा बना दीजिए उनको, एलओपी बना देते, परंतु दलितों को केवल इस्तेमाल करने के लिए। और देखिए कलकुरुची में 61 मौतें हुई हैं, दलित समाज के लोग वहां पे मारे गए हैं, उस पर एक शब्द तथाकथित जननायक ने नहीं बोला है, पर तथाकथित जननायक जब कन्वीनियंट होता है तो हारने वाली लड़ाई दलित को आगे कर देते। अब ये देखिए परसेप्शन की लड़ाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका, आपसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार देवेंद्र आपका रुख करते हुए जरा ये बताएं कि इस वक्त इनकी मीटिंग कहां चल रही है, क्या हलचल चल रही है? टीएमसी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पहले बड़ी खबर आपको दे दी है, टीएमसी के सुरेश के पक्ष में वोट करेगी। टीएमसी को लेकर पहले थोड़ी सी ऐसी आशंका बन रही थी कि ममता बनर्जी से शुरुआत में बात नहीं की गई, राहुल गांधी ने या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ममता बनर्जी से के सुरेश के नाम को लेकर सहमति नहीं ली या चर्चा नहीं की। फिर कल हमने एक तस्वीर और देखी थी जब राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच में चर्चा हो रही थी, उस दौरान ये लगा कि शायद वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मोटो क्या है। तो अभी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इतना तो तय ही था कि एक परी पार्टी जो रही है वो परी पार्टी इस बार फॉलो नहीं हो रही है, इस बार एक जंग दिखाई दे रही है। दोनों खेमा किस तरह से तैयारी कर रहा है, आपके पास क्या इनपुट्स है? मीनाक्षी, पहले टीएमसी वाले पे बात करें तो टीएमसी का जो मेन ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन ये था जो कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि ये जो खटाखट निर्णय ले लिया गया स्पीकर को लेके, हम इससे सहमत नहीं, हमें ऑन बोर्ड रखना चाहिए था और अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं रख रहे हैं तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं है। उसके चलते आपने देखा कि राहुल गांधी ने पहले अभिषेक बनर्जी से बात की, उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक फोन पे बातचीत हुई है ममता बनर्जी से, उन्हें समझाने की कोशिश की, उसके बाद टीएमसी उस पर सहमत हुई। लेकिन टीएमसी का फिर भी ये मानना है कि डिवीजन के लेवल तक नहीं जाने की जरूरत है, जो भी हो हाउस में ध्वनिमत के आधार पर हो जाए, इसमें डिवीजन तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी सांसद ने यह डिमांड कर दिया कि डिवीजन होना चाहिए तो फिर वोटिंग की नौबत आएगी और फिर उसमें नंबर्स पता चल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि 1976 के बाद भले ही पहली बार ये वोटिंग की नौबत आ रही है, लेकिन नंबर्स गेम इतना क्लियर है कि उस बात को लेकर दिलचस्पी नहीं रही। हालांकि 1952 और 76 दोनों केसेस में देखें उस समय भी नंबर्स ऐसे नहीं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा क्लियर थे, लेकिन इस बार भी कोई वैसी स्थिति नहीं है। 7 जो सांसदों ने जिन्होंने शपथ नहीं लिया है उनमें से 5 ऐसे हैं जो कि अपोजिशन कैंप के हैं, 2 ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। अपोजिशन कैंप में बात करें तो टीएमसी के 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने शपथ नहीं लिया, उनमें से 1 दीपक अधिकारी आज होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा, नूरुल इस्लाम। नूरुल इस्लाम की तबीयत खराब है, शत्रुघ्न सिन्हा बेटी की शादी में व्यस्त थी इसकी वजह से नहीं। शशि थरूर वॉशिंगटन थे अपने बेटे के जन्मदिन को मनाने के लिए, उनके बेटे का 40वां जन्मदिन था आज, शायद वो यहाँ पर शशि थरूर इंडिया आ जा रहे हैं। आप देखना होगा कि 11 बजे तक वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, उनके साथ समस्या ये थी कि कोर्ट का स्टे है संसद की कार्रवाई में उनके ऊपर भाग लेने को लेके, जब उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी तो वो एक कंडीशन था कि सदन की कार्रवाई में आप तब तक भाग नहीं ले सकते जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन ना आए। और आपने जो स्थिति समझाई है, आपने जो स्थिति समझाई है देवेंद्र, जो जानकारी दे रहे हैं हर्षवर्धन जी, एक विदेश में है बेटे की बर्थडे पार्टी में व्यस्त थे, अब पता नहीं आज पहुंच पाएंगे या नहीं शशि थरूर। शत्रुघ्न सिन्हा हमने खबरें लगातार देखी, वो अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थे, नंबर्स वैसे ही कम है विपक्ष के पास, और कम हो जाएंगे।
देखिए मूल समस्या जिस पर तृणमूल कांग्रेस, सर मैं एक मिनट रोक लेती हूँ आपको, एक बहुत बड़ी खबर, शरद पवार गुट की मीटिंग चल रही थी स्पीकर चुनाव पर, एनसीपी शरद गुट की स्थिति क्लियर हो गई है, एनसीपी के सांसदों के साथ ये मीटिंग महाराष्ट्र सदन में चल रही थी, वोटिंग के सवाल पर सुप्रिया सुले ने जवाब नहीं दिया। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि शायद ये सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन ये सस्पेंस तो बना हुआ है। एनसीपी के सांसदों ने कहा नहीं पता किसे वोट करेंगे। अब आप ये स्थिति देखिए, 233 का आंकड़ा इंडिया अलायंस का, और अगर एनसीपी के गुट के सांसदों को आप देखें वो ये कह दें कि हमें पता ही नहीं हम किसे वोट करेंगे, इसका मतलब तो ये है कि कंसेंसस वहां पर भी नहीं लिया गया। जो स्थिति टीएमसी की थी वही स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं एनसीपी शरद गुट की भी हो। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ओम बिरला के घर से, ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी भेज रहे हैं, पूजा पाठ, परिवार का साथ, तिलक, और ये देखिए ये कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वो ये जान रहे हैं कि ये जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन जो हर्षवर्धन जी मैं कह रही थी ना परसेप्शन की लड़ाई, नंबर्स वैसे 233 है, एनसीपी शरद गुट ये कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं कि नहीं पता किसे वोट करेंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी कल रात को लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और बड़ा अच्छा है, मैं तो उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि गंभीरता से वो इस जिम्मेदारी को निभाएं। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो सही मायने में जो देश का नेतृत्व करने वाले जो कतार होती है उसमें खड़ा हो जाता है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये पता नहीं हंसने की बात है या इस पर चिंता करने की बात है, या अभी जब मैंने कुछ प्रतिक्रिया दी तो विजय जी उन्होंने एक शब्द कहा मिडिल क्लास मेंटेलिटी, क्योंकि शशि थरूर जो है वो चले गए बेटे का जन्मदिन मनाने। लोकतंत्र का ये उपहास नहीं करना है तो क्या है? आप इतनी बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा एक लक्ष्य आपने तय किया है कि नरेंद्र मोदी को आप राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो फाड़ दिया हमने उनकी जो छवि थी पूरी। अब उसके बाद आप एक नेता खड़ा करते हैं, और जाहिर है जब कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम दलित को खड़ा कर रहे हैं तो शहजाद पूनावाला ठीक ही कह रहे हैं कि आप दलित को वहीं खड़ा करते हैं जहां वो हारेगा, और ऐसे में आपकी पार्टी के नेता वो अलग अलग वजहों से अगर शपथ नहीं ले पाए, अलग अलग वजहों से वो सदन नहीं पहुंच पाए, और देखिए अमेरिका से तो भारत की फ्लाइट थोड़ी लंबी है ना, ये 1.5 घंटे 2 घंटे वाली फ्लाइट तो होती नहीं, तो अगर नहीं चले होंगे तो पहुंचना असंभव है, पहले से चल दिए होंगे तो पहुंचे होंगे। लेकिन इस सब का मतलब क्या हुआ? इस सब का मतलब ये हुआ कि जो बार बार कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, अमित शाह तानाशाह है, सब गड़बड़ कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, वहां तो सबसे बात हुई है, एक भी एनडीए का पार्टनर अभी तक तो छिटक के नहीं आया, अभी आ जाए तो हम उसको स्वीकार करेंगे फिर उस पर बात करेंगे। आप उस विपक्षी गठजोड़ की बात सोचिए कि टीएमसी जिसके पास इतने सांसद हैं, यानी समाजवादी पार्टी के पास सबसे अधिक नंबर हैं, वो पार्टी कह रही कि हमें भरोसे में नहीं लिया गया। जो शरद पवार जिनको आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी पार्टी के तो ऐसे नेता है ना कि महाराष्ट्र में सत्ता वही लेकर आए थे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। उन्होंने बाकायदा वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ना कि सहमति से बनना चाहिए, उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि हमें अभी पता ही नहीं किसको वोट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक गुबार है, अभी एक जिसको कहें कि ताजा ताजा लड़ाई हुई है, तो उसके बाद कोई किसी को देख नहीं रहा है, किसी को कहीं घाव लगा होगा, किसी ने किसी को मार दिया होगा, तो सब किसी को खुशी है किसी को गम है। लेकिन जब ये सेटल होगा इस सेशन के बीच में या इस सेशन के बाद, तो क्या राहुल गांधी की जो राजनीति है, जो अपने मन का करने की है, और जिसको उनके हिसाब उनके शब्दों में कहें तो खटाखट वाली जो पॉलिटिक्स है, क्या ये चल पाएगी? क्या ये इस विपक्ष को जो मजबूरी में नरेंद्र मोदी के डर से बना है ये चल पाएगा? ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल। मैं विजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन शोएब रफा चूंकि इस वक्त शरद पवार के आवास पर ही मौजूद हैं, शोएब ये बताएं कि आपने जब सांसदों से पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो क्या कह रहे थे, वो किसके नाम पर वोट करेंगे? हम तो मान के चल रहे थे कि सुरेश के नाम पर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी भी हमारे साथ भिवंडी से जो सांसद है एनसीपी शरद पवार के पार्टी के सुरेश जी, वो हमारे साथ है, सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले भी शरद पवार जी हो, सुप्रिया सुले की बात करते, तमाम सांसद यहां पर महाराष्ट्र सदन में मौजूद है। सर ये बताएं कि वक्त तो बहुत कम वक्त बचा है, मेरे ख्याल से अब 10:15 हो चुकी है, कोई रणनीति बन पाई है, किसकी तरफ जा रहे हैं आप लोग, के सुरेश या ओम बिरला? नहीं देखो, मैं ऑलरेडी लेट आया, अभी साहब से मिला, ताई से बात हो गई, अभी 15 मिनट में मैं सदन में पहुंच रहा हूँ, फिर सदन में हम सब लोग, सुप्रिया ताई रहेगी, अमोल कोल्ले जी रहेंगे, हमारे सब एमपी रहेंगे,
5 मिनट में डिस्कस होकर जो भी है वो डन हो जाएगा। कोई इशारा दिया गया हो क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है, बस ये तो बता दीजिए। नहीं वो तो ही रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो कल ये खबर आई थी इंडिया गठबंधन के साथ है शोएब, तो फिर के सुरेश के साथ है ये भी बोल दे। नहीं देखो ये तो सब वरिष्ठ नेता का काम है, ये तो जो नेता हमें आदरणीय पवार सब बोलेंगे वो हिसाब से हमारी रणनीति तय हो जाएगी। अच्छा आप ये कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया गठबंधन के साथ है लेकिन के सुरेश के साथ है, ये कहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी? नहीं नहीं ऑलरेडी देखो इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट रहेंगे हम उनके साथ ही रहने वाले हैं। सिर्फ अभी जो भी बात है सदन में जाके 15 मिनट में डिस्कस होके फाइनल हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे 7 लोग यहाँ मौजूद थे, उनसे बात भी हुआ है, सिर्फ मैं लेट आया करके मैं अभी सदन में पहुंचने के बाद बात करूंगा। गाड़ी के पास तो आप खड़े थे शरद पवार जी के सुप्रिया से, आया जस्ट आपके सामने, साहब का आशीर्वाद लिया। आप भी कैसे धर्म संकट में डाल रहे हैं शोएब, आप भी कैसे धर्म संकट में डाल रहे हैं शोएब सांसद महोदय को। क्लियरली सुप्रिया सुले ने अच्छा क्या कहा ये बताइए। हमने बिल्कुल देखिए हमने 3 सवाल किए सुप्रिया जी से कि आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव है तो आप बताइए आप किसके साथ खड़े हैं, तो वो उन्होंने बोला कि हाँ आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। फिर मैंने कहा किसके साथ खड़े हैं तो वो चुप रही। फिर दूसरा सवाल भी हमने किया कि ये बता दीजिए कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ आप लगातार खड़े हैं, वो चुप रही। तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया, ये जरूर बोला कि हाँ चुनाव है लेकिन जिस तरह से बातचीत लग रही है कि अभी तक भी सांसदों को नहीं बताया गया है एनसीपी के जो शरद पवार खेमे के सांसद है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि कल ये खबर आई थी। ये भी थोड़ा कंफर्म कर दें कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की शरद पवार से स्पीकर के पद पर हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, एक नॉमिनेशन दे रहे हैं और के सुरेश नाम है, ऐसी कोई चर्चा हुई थी? देखिए कल जो खबर आई थी मीनाक्षी उसके मुताबिक तो यही है कि किसी तरह की चर्चा नहीं हुई थी, इसीलिए ये बताया जा रहा था कि टीएमसी और एनसीपी ने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी का तो ऑफिशियल बयान आ गया था जिसके बाद आज ये खबर आई कि राहुल गांधी ने टीएमसी से बात की है, ममता बनर्जी से बात की है और उनको समझाया है ये तमाम चीज़ें और वो मान गई है, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो हो सकता हो कि अगर आज सुबह से राहुल गांधी ने या किसी दूसरे नेता ने कांग्रेस के शरद पवार से बात की हो या दूसरे नेताओं से किसी से बात की हो तो अभी तक इसकी ऑफिशियल किसी तरह की जानकारी नहीं है। और अगर बातचीत होती तो मुझे लगता है मीनाक्षी कि मैंने शरद पवार जी से भी 2-3 बार सवाल पूछा, घर पर था मैं उनके, वहां भी मैंने पूछा, मैंने कहा सर आज स्पीकर का चुनाव है क्या रणनीति है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र सदन में भी मैं 2 बार उनसे पूछा मैंने, तो यहाँ भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने सीनियर लीडर हैं, इतने कदावर लीडर हैं और उन्हें अपने बातों को दबाने की या छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई मैसेज वो आगे देना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने चुप्पी साध के रखी। विजय जी क्या गलत कहा शरद पूनावाला ने? फिर अगर राहुल गांधी एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो माई वे और हाईवे जैसी रणनीति तो नहीं अपनाई जा सकती? आपने सारे नेताओं से चर्चा ही नहीं की और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। मीनाक्षी यदि कल आपने देखा हो जब नॉमिनेशन का वक्त था तो एनडीए की तरफ से जब ओम बिरला जी के लिए नॉमिनेशन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, होम मिनिस्टर और तमाम जो उनके सहयोगी दलों के नेता थे, चिराग पासवान, ललन सिंह वहाँ मौजूद थे। दूसरी तरफ जब के सुरेश जी का नॉमिनेशन वहाँ पर हुआ तो वहाँ न तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद था, राहुल गांधी जी नहीं थे, सोनिया जी नहीं थे या पार्टी के अध्यक्ष वहाँ मौजूद नहीं थे और दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उसी समय ये बात खटक गई थी कि या तो कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ बात नहीं की और ये तुरंत फुरत में फैसला किया गया, ये खटाखट वाला जो फैसला है वो किया गया है और वो दिखाई दिया बाद में कि जब अभिषेक बनर्जी के साथ राहुल ने बात की। और अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के लोग आज टूट जाएंगे और अलग अलग वोट देंगे, लेकिन ये रणनीति के हिसाब से बहुत सही फैसला नहीं था। बात है कि ना परसेप्शन की लड़ाई ही तो लड़ रहे हैं कि नंबर्स उनके साथ तो वैसे भी नहीं है।